हाय दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मानसी AGS बिल्डर में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए काफ़ी दिनों बाद लेके आई हूँ 4BHK की प्रॉपर्टी, जिसकी लोकेशन आपकी रहने वाली है द्वारका मोड़ की। मेट्रो स्टेशन जो है द्वारका मोड़ का सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर्स की दूरी पे है। एरिया की अगर बात करें तो गाइज एरिया रहने वाला है 135 स्क्वायर यार्ड्स का। बिल्कुल सही सुन रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस प्रॉपर्टी है। 4 बेडरूम्स आपको मिलते हैं, बहुत बड़ा सा हॉल आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसका ओवरव्यू दिलाती हूँ, आइए गाइस। एरिया बहुत ही शानदार स्पेशियस स्टेयरकेस एरिया रहने वाला है। ये रहने वाला है आपका जो लिफ्ट का एरिया, ये आ गई आपकी लिफ्ट। और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है आपके शू रैक के लिए। यहाँ पे आप आराम से अपना शू रैक प्लेस कर सकते हो, बड़े से बड़े साइज़ का आप अपना शू रैक प्लेस कर सकते हो। ये वाली वॉल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, ज़रा लिखा क्या है आप वो भी पढ़ लीजिए एक बार। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। तो चलिए लेके चलती हूँ बहुत ही प्यारी और शानदार प्रॉपर्टी में, जो कि आपकी 4BHK की प्रॉपर्टी। तो ये कर लिए हमने आपके 4BHK की प्रॉपर्टी में एंट्रेंस। एंट्री करते के साथ आपको यहाँ पे स्पेस ही स्पेस दिखने वाला है। और सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में मैं दिखाना चाहती हूँ आपको इसका फर्स्ट बेडरूम, आइए गाइस। तो अब हम आ गए हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। और गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेडरूम है, इसमें आपको मिलता है अटैच वॉशरूम, एक वार्डरोब और साथ ही साथ LED पैनल। तो चलिए देखिए कि ये रहने वाला है आपका LED पैनल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शानदार लग रहा है। पूरा पैनल जो है वो वुड का बना के दिया हुआ है, बड़े से बड़े साइज़ का TV आपका यहाँ पे आ जाएगा। आर्च बना के दिए, एक साथ ही साथ फोकस लाइट लगा के दिए, आपके सारे डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। एसेसरीज़ के लिए नीचे आपके यहाँ पे बना के दिया हुआ है। और वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी फुल साइज़ की बड़ी बड़ी विंडो लगा के दिया है, एक जाली वाली भी और एक शीशे वाली भी। विंडो AC का प्रोविज़न भी आपको लगा के दिया हुआ है, पर्दे भी आपको यहाँ पे सेट करके दिए हुए हैं। और बेड के साइड में देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पेस है गाइस। सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है कि बेड के साइड में स्पेस होना चाहिए अपना एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। आप बेड देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए इतना तो आपका यहाँ पे क्विल्टिंग वर्क से बना के दिया हुआ है। ऊपर आपका पूरा वुड का पैनल है, साथ ही साथ फॉल सीलिंग जो है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर है। फैंस तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं इसके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको एक वार्डरोब मिलती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल लेंथ की एक वार्डरोब मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। साइजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके बाद भी वार्डरोब के बाद भी यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको मिलता है एक अटैच वॉशरूम। तो ये रहा आपका अटैच वॉशरूम, इसमें आपको बेसिन भी लगा के दिया हुआ है, मिरर भी लगा के दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो लाइट वाला जो है ये आपको यहाँ पे मिरर हमने सेट करके दिया हुआ है। और आप देख सकते हो कि साइजिंग जो है हर एक चीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको हर बेडरूम में बालकनी मिलेगी, तो ये रही फर्स्ट बेडरूम की बालकनी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। और आपको यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन की फिटिंग्स भी करके दी हुई है। और इसमें आपकी यहाँ पे ग्लास की ग्रिल और ये वाली स्टेनलेस स्टील की ग्रिल भी लगा के दी है। इवन आपको यहाँ पे जाल भी पूरा सेट करके दिया है। आपकी बालकनी में भी बहुत प्यारी सी हैंगिंग लाइट हमने यहाँ पे आपको लगा के दी है। गौर से देखिए इस लाइट को, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसी बालकनी से गाइस आपकी एंट्री होती है आपके सेकेंड बेडरूम में। तो ये एंट्री कर ली है हमने इसके सेकेंड बेडरूम में, आप देख सकते हो सेकेंड बेडरूम बहुत ज़्यादा क्यूट
काइंड ऑफ है। इसकी जो थीम है वो हमने रखी है ब्लैक एंड वाइट में, तो आप देख सकते हो इसका जो बेड है वो भी ग्रे शेड में हमने आपको रेडी करवा के दिया है। जो डिज़ाइनिंग है ये देखिए गाइस, ये वाली जो डिज़ाइनिंग है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। साथ ही साथ जो पैनल लगा हुआ है पीछे, उसमें प्रोफाइल लाइट की डिज़ाइनिंग भी आपको करके दी हुई है। इस बेडरूम में भी आपको यहाँ पे LED पैनल बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जिस तरह की इस बेडरूम की थीम है उसी तरह से आपको LED पैनल भी रेडी करके दिया हुआ है। एक सिंगल वार्डरोब भी आपको यहाँ पे बना के दी हुई है। जो वार्डरोब की माइका है वो भी हमने आपके बेडरूम की थीम से पूरी सेट करके दी हुई है, तो आप देख सकते हो। और बेड ये आपका काफ़ी बड़े साइज का बेड है, यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, आप खुद देख सकते हैं पूरा स्पेस है। ये आ जाती है आपकी बालकनी, और बालकनी के बाद बंद करने के बाद भी आपका पूरा रूम जो है बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसकी जो फॉल सीलिंग है उसका डिज़ाइन जो है वो आपके फर्स्ट बेडरूम से बिल्कुल डिफरेंट है, और बहुत ही ज़्यादा ये वाला फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। तो चलिए अब लेके चलती हूँ आपको, कहाँ पे जाना है आपको, किचन में। यहाँ पे आ गई है आपकी मॉम्स किचन, यहाँ पे खाना और प्यार दोनों भरपूर मिलता है, ये तो आपको पता ही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका जो स्टोव का जो एरिया है वो हमने बिल्कुल अलग लगा के दिया हुआ है। एक कॉर्नर में यहाँ पे आपकी चिमनी सेट करके दी हुई है। गाइस एक चीज़ देखनी है, चिमनी के बावजूद भी आपको यहाँ पे पूरा वेंटिलेशन मिल रहा है। बहुत बड़े साइज की विंडो आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है, मिरर की विंडो है, जाल की विंडो है, और इससे बड़े आपको क्या चाहिए। आपके चिमनी है, आपका जो खाना बनेगा चिमनी का सारा उधर जाएगा, और आपके लिए अलग से वेंटिलेशन भी दिया हुआ है इस किचन में। नहीं तो नहीं 7 लोग आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि ये एल शेप की किचन है। यहाँ पे आपको 2 सिंक दे रहे हैं, देख लीजिए गाइस साइज सिंक का बहुत बड़ा है, और आप देख लीजिए पूरा व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको शेल्फ रेडी करके दिया हुआ है। जो टाइल्स का डिज़ाइन है उनका कॉम्बिनेशन देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप अपना फ्रिज भी प्लेस कर सकते हैं, ये स्विचेस की भी आपको कोई कमी नहीं होने वाली। इवन यहाँ पे भी आपके मिक्सर्स के लिए स्विच लगा के दिए हुए हैं। जितने भी ये बास्केट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आपको लगा के दिए हुए हैं, देख लीजिए कितने ही ज़्यादा आपको यहाँ पे मस्त एकदम, देख लीजिए कितना ईजी मूविंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आराम से देखिए गाइस अपने आप बंद हो रहा है, इतना ईजी इतना सुंदर है। यहाँ पे जो है कैबिनेट्स में हमने आपको ग्लास की डिज़ाइनिंग करके दी हुई है। साइज़ देख लीजिए गाइस कैबिनेट के, यहाँ पे आराम से आपके क्रॉकरी का सामान या आपके मसाले के डिब्बे सब कुछ आ जाएगा। इवन हमने आपको यहाँ पे RO की फिटिंग भी करके दी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा आपका RO, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी किचन लग रही है। इवन फॉल सीलिंग देखिए, फॉल सीलिंग तो बाद में देखिए, पहले आप ये डिज़ाइनर लाइट देखिए किचन की, कितनी सुंदर ये आपको लाइट यहाँ पे आपको लगा के दी है। लाइट्स की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपको यहाँ पे किचन में, पूरी चमक रही है आपकी लाइट्स। किचन के बाहर आते ही आपको एक तो सबसे पहले डोर पे यहाँ पे मिलती है प्रोफाइल लाइट्स, जो कि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइटनिंग कर रही है आपके किचन में। साथ ही साथ ये मिलती है आपको एक वुडन आर्च, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी डेकोरेटिव आइटम्स पूरे अच्छी तरह से लगा के दिए हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक ये बड़ा कैबिनेट दे रखा है, नीचे आपके छोटे कैबिनेट दे रखे हैं, इनके लिए आपके फोकस लाइट भी दे रखे हैं। दरअसल क्या बात है, फोकस लाइट के साथ जो है वो आपको जो आपके शो पीस होते हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, इसलिए हम हमेशा वुडन आर्च में फोकस लाइट्स लगा के देते हैं। गाइस देख लीजिए यहाँ पे किचन के बाद आने के बाद भी कितना स्पेस है। तो अब लेके चलती हूँ आपको कॉमन वॉशरूम में, आइए गाइस। ये आ गया है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में भी हमने आपको देखिए कितना फुल साइज का मिरर लगा के दिया हुआ है। साथ ही साथ इतना अच्छा ये मिरर है, इतना सुंदर ये लग रहा है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स लेनी है अपनी पिक्चर्स लीजिए, आपको ये पूरा अच्छा आपको मेकअप करना है आप यहाँ पे आराम से मेकअप कर सकते हैं। लोगों को अलग से एक वैनिटी चाहिए होती है मेकअप के लिए, बट इस वॉशरूम में आपका सारा यहाँ पे स्टोरेज है। ये जो वैनिटी है ये पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। टेबल टॉप का आपको यहाँ पे बेसिन लगा के दिया हुआ है। इसका डिज़ाइन देख लीजिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। सैनिटरी फिटिंग सारी की सारी आपकी प्रीमियम क्वालिटी की है। यहाँ पे आपका बाथिंग एरिया आ गया और यहाँ पे आपका टॉयलेटिंग एरिया आ गया है। और देखिए फॉल सीलिंग भी इसमें छोटा सा डिज़ाइन आपको वॉशरूम में भी बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये रहा आपका कॉमन वॉशरूम, मैंने आपको कॉमन वॉशरूम भी दिखा दिया है, आपको फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया है, सेकेंड बेडरूम दिखा दिया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका थर्ड बेडरूम, जो कि है मेरा फेवरेट बेडरूम।
तो गाइज ये रहा आपका थर्ड बेडरूम। ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये सबसे बड़ा बेडरूम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम है। ऑल्सो इसमें एक ड्रेसिंग टेबल भी है जो कि मैम मेरे को मिरर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हर जगह मिरर्स चाहिए। साथ ही साथ अलग से आपको यहाँ पे वैनिटी बना के दी हुई है आपके स्टोरेज के लिए। एक फुल साइज़ की आपको यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ जो है वार्डरोब की, और स्पेस देख लीजिए वार्डरोब में आपका कितना आ जाएगा। साथ ही साथ आपको LED पैनल का जो डिज़ाइन है गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपके लिए, ये क्यूट सा शो पीस भी आपको यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। और LED पैनल, इस बेडरूम की जो थीम है वो भी ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे में है, तो आपका जो बेड है वो आ गया है आपका यहाँ पे ग्रे कलर का, और आप देख सकते हो उसके ऊपर एक अच्छी सी पेंटिंग भी आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है। साइड में आपका वुड पैनल लगा के दिया हुआ है। बाकी बेडरूम्स में आपने देखा होगा कि पूरे में वुड पैनल है, बट दिस टाइम हमने बीच में आपके पेंटिंग्स के लिए या कोई और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए पूरा लगा के दिया है, बाकी सब में आपका वुड का पैनल लगा के दिया हुआ है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन का एरिया है वो रहने वाला है गाइज इस साइड। ये रहा आपका वेंटिलेशन का एरिया, आप ऊपर अपना विंडो AC भी सेट करा सकते हैं। विंडो AC का प्रोविजन हमने नीचे और ऊपर दोनों तरफ दिया है, तो आपको जहां भी कराना है वो करा सकते हैं। और इस बेडरूम में भी आपको मिलता है अटैच वॉशरूम। तो गाइस ये रहा आपका अटैच वॉशरूम, इसमें भी आपको देखिए फुल लेंथ का आपको मिरर लगा के दिया हुआ है, देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा और शानदार ये आपका मिरर लग रहा है। जो टाइल्स है इसकी, भाई इस घर में जितनी भी टाइल्स का डिज़ाइन है ना बहुत ही अच्छा है, जिसने भी चूज़ किया है बहुत ही गजब का है। टाइल्स देख लिया, ऐसी टाइल्स तो मैंने कभी भी नहीं देखी है। गाइस कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और चलिए अब लेके चलती हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सारे बेडरूम्स में आपको यहाँ पे बालकनी मिलती है, तो इस बेडरूम की जो बालकनी है वो है इधर आपकी वार्डरोब के इधर जो आपका गेट आ जाता है, और ये रही आपकी बालकनी। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बालकनी है गाइस, देख लीजिए। और बारिश भी आ गई है, वाओ आप देख सकते हो बारिश भी आ चुकी है यहाँ पे, इतना अच्छा ये मौसम हो रहा है। और बालकनी कितनी ज़्यादा बड़ी है आप देख सकते हो, लेंथ बहुत ज़्यादा है इसका, एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे भी लाइट्स लगा के आपको दी हुई है, और लाइट के साथ साथ जो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील और यहाँ पे ग्लास की ग्रिल दी है, जाल भी आपको यहाँ पे लगा के दिया हुआ है, एक और वॉशिंग एरिया आपको दिया है। बेसिकली घर में एक ही वॉशिंग मशीन होती है, पर जहाँ मर्जी आपको उस बालकनी में रखना है वो भी रख सकते हैं, इस वाली में रखना है रख सकते हैं। इस बालकनी में तो वॉशिंग एरिया के साथ साथ आप यहाँ पे आराम से अपनी टेबल चेयर बिछा के आराम से बैठ सकते हैं। तो अब इसी बालकनी से एंट्री करते हैं हम इसके फोर्थ बेडरूम में। तो गाइस फोर्थ बेडरूम में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसकी फुल लेंथ की वार्डरोब, साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जितने भी ऊपर देख लिए दो कैबिनेट्स बना के दिए, नीचे भी एक कैबिनेट्स बना के दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको वेंटिलेशन की भी कोई कमी नहीं रहने वाली इसमें, विंडो AC का आपको प्रोविजन दिया है, बाकी आपको यहाँ पे जाल लगा के दिया हुआ है। इस बेडरूम में भी आपका आ जाता है LED पैनल। साथ ही साथ इस बेडरूम में देख लीजिए आपका बेड जो है वो ग्रे कलर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, और ऊपर आपको वुड की पैनल करी हुई है प्रोफाइल लाइट के साथ। आप इसकी फॉल सीलिंग देख लीजिए गाइस, हर बेडरूम में आपको डिफरेंट डिज़ाइन की फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, वो आपको चूज करना है कि आपको अपना बेडरूम कौन सा वाला चूज करना है फैमिली में से। तो साथ ही साथ यहाँ पे और भी ज़्यादा स्पेस है, इवन यहाँ आप अपना ड्रेसिंग भी प्लेस कर सकते हो, जो आपको जैसा भी जो भी प्लेस करना है, आपको क्लोथिंग की एक्सेसरीज कोई भी यहाँ पे कुछ भी करना है तो आप आराम से प्लेस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखा दिए चारों बेडरूम। चारों बेडरूम के बाद अब हम आ जाते हैं जो इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी चीज़ है, जो मुझे पर्सनली खुद सबसे अच्छी लगी है, वो है ये पूरा ड्राइंग हॉल। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका डाइनिंग एरिया भी आ जाता है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे सोफे आते हैं, सेंटर टेबल आता है, LED पैनल आता है। आप देख लीजिए गाइस डाइनिंग एरिया जो है वो 4 सीटिंग का आपका डाइनिंग एरिया है, सोफे वाला आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो वॉल्स है उसकी डिज़ाइनिंग की हुई है, छोटे छोटे मिरर्स लगा के आपकी पूरी POP से आपका पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। इस वॉल की अगर बात करें तो इस वॉल में आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स की इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और पूरी डिज़ाइनिंग जो है वॉलपेपर के साथ आप देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाली जो लाइट है, एक ये वाली लाइट देख लीजिए गाइस, इतनी एनहेंस
एनलाइटिंग ये लाइट है। साथ ही साथ इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसेंट लुक में आपको पूरा रेडी करा के दिया हुआ है। एल शेप का सोफ़ा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 6 इंच का सोफ़ा आपको यहाँ पे आ जाता है, 2 पफिक्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आपकी सेंटर टेबल का जो डिज़ाइन है एक बार देख लीजिए, सेंटर टेबल का डिज़ाइन पूरे वर्साचे लुक में आपको यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। और इस वाली वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आपको सेल्फ लगा के दे दिया है, यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो। यहाँ पे आपका मिरर आ जाएगा एक छोटा सा सर्कल में, पीछे से ये आपकी प्रोफाइल लाइट जो है वो उसको इफेक्ट दे रही है अच्छा सा। साथ में आपका वुड का पैनल आ जाता है और स्पेशियस गाइज आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया भी आ रहा है। साथ ही साथ आपका 6 सीटिंग का ह्यूज साइज का सोफा भी आ रहा है। और यहाँ पे आपका स्पेस देख लीजिए कितना है, यहाँ पे किचन के बाद और डाइनिंग एरिया के बाद आपका स्पेस देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पेशियस ये आपका एरिया रहने वाला है। और ये आ जाता है आपका LED पैनल। तो LED पैनल के साथ साथ यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप अपना मंदिर बनाना चाहो, मंदिर भी बना सकते हो। ये आपके मंदिर के लिए एरिया आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पे LED पैनल के बाद ये देखिए गाइस, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर भी लाइट लगा के दी हुई है। ये इफेक्ट जो आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है गाइस। एक ब्यूटीफुल चैनलर भी आपको यहाँ पे प्लेस करके दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो कि 2 कॉर्नर की जो फॉल सीलिंग है वो एक ऐसे है और 2 कॉर्नर की फॉल सीलिंग डिफरेंट है। तो ये एक डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे रेडी करा के दी हुई है। 2 कॉर्नर्स की जो फॉल सीलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, 2 कॉर्नर्स की सेम है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा के दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताना चाहती थी कि आप इतना स्पेस है इस प्रॉपर्टी में, इतना स्पेस है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल कॉर्नर्स मिल रहे हैं अपनी चीज़ें प्लेस करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ मैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर में आप अपना शू रैक रख सकते हो, शू रैक रख दो, अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हो, फ्रिज प्लेस कर दो, या फिर एक और वार्डरोब, आपको स्टोरेज की कमी हो रही है कोई तो आप एक और वार्डरोब यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो गाइज अगर ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को खरीदना और इसके बारे में तो जल्दी से पर्सनली खुद ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे बुक करने से पहले, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट करें और फटाफट इस प्रॉपर्टी की विजिट बुक करें ताकि आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल्स पता चले। और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। बाय।